हेलो एवरीवन वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब्स कॉर्नर आज की इस वीडियो में मैं आपको क्लास टेंथ में अगर आप हैं एलेवेंथ या ट्वेल्थ जो आपने सॉफ्ट जोन या हार्ड जोन में एग्ज़ाम देने वाले हैं मैं आपके कुछ डाउट्स क्लियर करने की कोशिश करूंगा जो कि है रोल नंबर और सीरीज़ अगर आप लिखना भूल गए पेपर में तो आपका क्या होगा अगर आपके एग्ज़ाम में मतलब आपने नकल करते हुए पकड़ेगे या आपकी चिट जो है आंसर शीट में रहेगी है तो आपका क्या होगा क्या आपका पेपर ही कैंसिल कर दिया जाएगा क्या आपका रिजल्ट नहीं निकाला जाएगा और लास्ट थर्ड वन जो कि है, है, है हैंड राइटिंग के रिलेटेड किसी किसी की हैंड राइटिंग बहुत ही ज़्यादा अच्छी है तो क्या उसको मार्क्स मतलब ज़्यादा मिलेंगे और किसी की अगर नहीं अच्छी तो क्या उसको मार्क्स कम किए जाएंगे ये जो डाउट्स हैं वो मैं आपको आज की इस वीडियो में क्लियर करने की कोशिश करूँगा इसीलिए आपको ये वाला वीडियो एंड तक ज़रूर देखना है और अगर चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर प्रेस कर देना ताकि जब भी मैं नई कोई वीडियो अपलोड करूँ जी के वो उसके रिलेटेड सब तक सबसे पहले आप तक पहुँच पाए तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं सबसे पहले तो यहाँ पे हम बात कर लेते हैं रोल नंबर और सीरीज़ लिखना भूल गए अगर आप रोल नंबर या सीरीज़ लिखना भूल गए हैं तो आपका क्या होगा सबसे पहले सीरीज़ की बात करते हैं सीरीज़ आपकी तीन टाइप की होती है एक्स वाई जेड और मैं बता दूं जब आप यहाँ आपके एग्ज़ाम सेंटर जो भी हैं आपके वहाँ से लीव करते हो तो वहाँ पे आपके टीचर्स चेक ज़रूर करते हैं और आपको पता होगा पेपर किस टाइप से दिया जाता है सबसे पहला वाला एक्स सेकंड वाई थर्ड वन को जेड दी जाती है और उसी सीक्वेंस से वो पेपर्स भी उठाते हैं तो इस बात का आपको ध्यान रखना है और जब भी आप अगर आप मिस कर देते हैं सीरीज़ लिखना तो आपके टीचर्स जो हैं वो ज़रूर वहाँ पे मतलब बाद में चेक करते हैं कि इन्होंने सीरीज़ लिख लिखी है रोल नंबर लिखा है नाम वगैरह लिखा है या नहीं तो जब चेक करते हैं तो अगर उनको वहाँ पे सीरीज़ नहीं दिखती है तो अगर आप इंस्टीट्यूशन छोड़ के चले गए हैं तो वो वहाँ पे खुद ही ऐड कर देते हैं सीक्वेंस वाइज और मैं बता दूं अगर वहाँ पे भी मतलब चेक लिख नहीं देते हैं सीरीज़ आपकी तो बोर्ड में ते सिर्फ तीन सीरीज होती हैं एक्स वाई जी तो वो ईज़ली मैच करते हैं कि कौन सी सीरीज़ के साथ आपके क्वेश्चंस मैच होते हैं तो आपको ईजिली वहाँ पे जो भी मैच होता है उसके साथ आपको मार्क्स दिए जाते हैं पहला डाउट सीरीज़ के रिलेटेड क्लियर हो गया है सीरीज़ में कोई टेंशन वाली बात नहीं अब रोल नंबर की बात कर लेते हैं रोल नंबर का मैं बता दूँ सबसे पहले तो आपको एक मतलब जब आप एग्जाम देते हैं तो रोल नंबर लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा आगे से पहली बात ये दूसरा मैं बता दूँ रोल नंबर जो आपका दिया जाता है मतलब रोल नंबर आप अगर मिस कर देते हैं लिखना तो क्या होता है अगर आपने जो वहाँ पे आंसर आंसर शीट के अलावा भी दो तीन बार आपके पास कुछ शीट्स लाई जाती हैं वहाँ पे रोल नंबर लिखने के लिए बोला जाता है सिग्नेचर वग़ैरह करने के लिए बोल बोलते हैं आंसर शीट जैसे ही आपको मिलती है एग्ज़ाम में उसके आधे घंटे तक एक घंटे तक आपको मिल ही जाता है वो उस पर लिखने के लिए बोलते हैं अगर आपने उस पर रोल नंबर वगैरह लिखे तो आपको कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी और जब आप एग्ज़ाम लीव करते हैं मतलब सेंटर एग्जाम सेंटर लीव करते हैं तो आपके जो टीचर्स होते हैं वो मैंने जैसा कि पहले बताया और सीरीज तो रोल नंबर चेक करते हैं और अगर आपका उसमें रोल नंबर मिसिंग है तो आपको ज़रूर से ज़रूर वहाँ पे ईज़िली मतलब सीक्वेंस वाइज़ है तो वो आपका रोल नंबर ईज़ली लगा देंगे इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है पर अगर वहाँ से मतलब छूट गया आपका रोल नंबर लिखना है, तो आगे फिर अगर उनको मतलब शीट के साथ मैच हो गया अब मूड पे डिपेंड करता है करना चाहते हैं तो ठीक है नहीं तो फिर दिक्कत तो आनी ही है रोल नंबर में आप बात करते हैं यहाँ पे हैंड राइटिंग के ऊपर हैंड राइटिंग के ऊपर जो डाउट्स हैं वो मैं बता देता हूँ हैंड राइटिंग पे पहला डाउट अगर किसी की मतलब जो यहाँ पे हैंड राइटिंग है वो बिल्कुल ही गलत है मतलब ऐसा है कि सिर्फ़ उसके वर्ड्स जो लिखे हैं आंसर शीट में वो पढ़ने आने चाहिए और अगर उसने कोई ऐसा भी है जिसने जितना भी साफ़ साफ लिखा होगा जितना भी हाँ उससे अट्रैक्शन बढ़ता है बाकी कुछ नहीं बाकी मार्क्स नहीं मिलेंगे जी हाँ सही सुना अगर आपको कोई बोल भी रहा है ना कोई यूट्यूबर अदर सम पर्सन कि यहाँ पे मार्क्स बढ़ेंगे तो मैं बता दूँ मार्क्स नहीं बढ़ते हैं अगर आपको मेरे पे बिलीव है तो मेरी बात मान लीजिए यहाँ पे मार्क्स नहीं बढ़ेंगे चाहे आपने जितना साफ साफ लिखा होगा बस अट्रैक्शन बढ़ती है और चाहे आपने जितना गंदा लिखा हो जितना गंदा से मीन्स कि वर्ड समझ आने चाहिए हार्ड ही समझ नहीं आएंगे तो फिर तो दिक्कत वाली बात है बस इसका मैं बता दूं आपको मार्क्स वगैरह हैंड राइटिंग से नहीं मिलते हैं चाहे अच्छी हो या गंदी अब बात करते हैं नंबर थर्ड एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट नकल चिट अगर आपकी पकड़ी गई है तो आपका क्या होगा सबसे पहले नकल और चिट की बात कर लेते हैं चिट आपकी दो टाइप से पकड़ी जाएगी पहली आपके एग्ज़ाम सेंटर में अगर आपके जो राउंडर या आपके जो एग्ज़ाम एग्जामिनर हैं उन्होंने है, आपकी चिट कॉपी मतलब कॉपी की है वहाँ पे चिट पकड़ी गई है आपके आसपास या आप कर रहे थे तो आपको पकड़ी गई है तो आपको वहीं पे कॉपी किया गया होगा और अगर कॉपी क्या होगा थोड़ा अगर मतलब सीरियस मैटर नहीं है तो आपको जम्मू या श्रीनगर जहाँ से भी है वहाँ पे बुला लिया जाएगा अनफेयर मीन्स के एक लिस्ट आएगी उसमें बुलाया जाएगा और आपको वहाँ पे जाके जो भी सवाल पूछे जाएंगे मतलब यही पूछते हैं कि आपकी नकल वगैरह किस क्यों पकड़ी गई थी ये जो भी है तो आपको वहाँ पर जवाब दे देना है और रिजल्ट ईजीली निकल जाता है पर अगर आपका आपकी जो यहाँ पे चीटिंग है थोड़ा सीरियस मैटर है तो फिर रिजल्ट आने में भी दिक्कत हो जाएगी अब बात करते हैं जिनकी आंसर शीट में ही नकल रही है उनका क्या होगा सबसे पहले अगर जिस क्वेश्चन की आपने आंसर मल, आंसर किया है जैसे कि क्वेश्चन नंबर सिक्स लॉन्ग था तो मैंने भी वहीं से वो लॉन्ग किया और नकल उसी में रही है अगर नकल उसी में रही है तो जैसे कि लॉन्ग मान लीजिए वट इज़ डिकम्पोजिशन अगर ये क्वेश्चन है इसकी चिट आपकी उसमें रही है और ये क्वेश्चन आपने किया है तो आपको सिंपली ऐसे भी मतलब बोर्ड में जो एग्ज़ाम चेक कर रहे होते हैं वो सीधे ही क्रॉस कर देंगे उस क्वेश्चन को और आपको उसके मार्क्स नहीं देंगे अगर आपने सेम वही लिखा है तो कोई ऐसे भी होते हैं जिनको आपको मतलब चिट वगैरह वहाँ पे दिखेगी तो आपको अनफेयर मीज कर देंगे और आपको फिर से मतलब जम्मू वगैरह बुलाया जाएगा कि आपकी यहाँ पे चिट वगैरह पकड़ी गई तो आपको वहाँ पे अपने जो जवाब है वो ज़रूर देना चाहिए और वहाँ पे आपको रिज़ल्ट आने में कोई दिक्कत नहीं होती है सो so फ्रेंड्स यही थी आज की वीडियो अगर वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और ऐसे वीडियोज़ के लिए चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में थैंक्स फॉर वॉचिंग